हाईवे पे काफ़ी लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा था और वहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले भैया आप? तिनटोलिया के ही रहने वाले हैं। तो भैया ने लिफ्ट दिया है और भैया के साथ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तिनटोलिया मंदिर। भैया हमारे सब्सक्राइबर है, भैया के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस वक्त हम लोग मंदिर के सामने खड़े हैं और जो मेन गेट है वो इस वक्त लॉक किया हुआ है और उस साइड वाला जो गेट है उसको खोल दिया गया है। चलिए थोड़ा सा आगे चल के दिखा देते हैं। तो आगे में भी एक काफ़ी भव्य द्वार बनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माता जी का मंदिर आप सामने देखिए काफ़ी भव्य है। इस नवरात्रि के 5वें दिन थोड़ी बहुत दुकान लगी है, ज़्यादा दुकानें नहीं लगी है। दोस्तों आज नवरात्रि का 5वां दिन है और सुबह से ही इच्छा हो रही थी कि आज मैं तिनटोलिया माता का दर्शन कराऊं और आप सभी लोगों को भी माता जी के मंदिर का दर्शन कराऊं। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, माँ के प्रतिमा का आप लोगों को दर्शन कराते हैं और आशा करेंगे कि माता जी के कृपा से आप सभी दर्शकों का जीवन हमेशा कुशल मंगल रहे। दोस्तों मंदिर परिसर में मैंने जैसे ही कदम रखा मानो ऐसा लगा कि शरीर में एक अजब सी ऊर्जा का संचार हुआ। माता जी का यह मंदिर काफ़ी गौरवशाली है और मंदिर का यह परिसर काफ़ी शक्तिशाली है, इस चीज़ को मैंने कदम रखते ही महसूस कर लिया। और इस मंदिर का जो विशेष दिन होता है नवमी पूजा को भी हम लोग आएंगे और आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। आज तो बस ऐसे ही आना हो गया क्योंकि काफ़ी इच्छा हो रही थी कि एक बार हम दर्शन कराएं कि इस कोरोना काल में किस तरह का पूजा होगा, कैसी व्यवस्था रहेगी। तो नवमी
पूजा के दिन हम लोग आएंगे और उसका एक स्पेशल ब्लॉग बनेगा, इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के परिसर से बाहर आ चुके हैं जहाँ मेला लगता है। तो मंदिर के बाहर अभी कैसा नज़ारा है वो आप लोगों के सामने है। दुकानें लगी हैं मिठाइयों की और थोड़े बहुत दुकानें हैं, लेकिन इस जगह पे जो मेला है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य लगता है। लेकिन इस कोरोना काल में सरकार के निर्देशानुसार मेला पहले जैसा भव्य नहीं होगा इस बार कोरोना को लेकर। और यहाँ पे हमारे काफ़ी दोस्त लोग मिल गए हैं, सब हेलो बोलो। इस साइड भी देखिए दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद भक्त की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी का यह मंदिर काफ़ी सर्वशक्तिशाली है, यहाँ आने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मन आज काफ़ी प्रसन्न हो गया माता जी के मंदिर का दर्शन करके, और आशा करते हैं कि आप लोगों का भी मन काफ़ी प्रसन्न हुआ होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नवमी के दिन, कि नवमी के दिन ही सारा कुछ खास होता है, विशेष पूजा होती है। उस दिन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। नवमी के पूजा का जो वीडियो होगा वो वीडियो स्पेशल होगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो मैं बहुत जल्द डालूँगा। और ज़रा मंदिर के बाहर का नज़ारा, थोड़ी बहुत दुकानें हैं लेकिन इस जगह पे काफ़ी भव्य मेला लगता था, लेकिन इस बार कोरोना काल में सब चौपट हो चुका है। यह पूरा साल, पता नहीं इस साल को किसकी नज़र लग गई।